हिंदू पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। इस महीने रविवार 9 मई यानी आज मासिक शिवरात्रि है। इस दिन आपकी हर अधूरी मनोकामना भगवान शिव जरूर पूरी करते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको मासिक शिवरात्रि के अवसर पर राशि अनुसार भगवान शिव की उपासना का सही तरीका क्या है। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों से। तो मेष राशि वालों के लिए बता दें आपको शिवलिंग पर जल में दूध तुलसी पत्ते मिलाकर अभिषेक करें। जहां बता दें आपको ओम गंगा धराय नमः मंत्र का जाप करें। चलिए बात करते हैं वृष राशि वालों की। शिवलिंग पर जल में मीठी मौसमी का रस मिलाकर अभिषेक करें। ओम सोमनाथाय नमः मंत्र का जाप करें। चलिए बात करते हैं अगली राशि मिथुन राशि वालों की। शिवलिंग पर जल में गन्ने या आम का रस मिलाकर अभिषेक करें। ओम नागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करें। चलिए बात करते हैं कर्क राशि वालों की। शिवलिंग पर जल में दूध गुड़ मिलाकर अभिषेक करें। ओम रामेश्वराय नमः मंत्र का जाप करें। चलिए बात करते हैं अगली राशि सिंह राशि वालों की। शिवलिंग पर जल में आम का रस मिलाकर अभिषेक करें। ओम नंदेश्वराय नमः मंत्र का जाप करें। चलिए बात करते हैं अगली राशि कन्या राशि वालों की। शिवलिंग पर जल में दूध तुलसी पत्ते या बेलपत्र मिलाकर अभिषेक करें। ओम ओमकाराय नमः मंत्र का जाप करें। चलिए बात करते हैं अगली राशि तुला राशि वालों की। शिवलिंग पर जल में दूध शहद और धतूरा मिलाकर अभिषेक करें। ओम हर हर महादेवाय नमः मंत्र का जाप करें। चलिए बात करते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि वालों की। शिवलिंग पर जल में दूध और गुड़ मिलाकर अभिषेक करें। ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र का जाप करें। चलिए बात करते हैं अगली राशि धनु राशि वालों की। शिवलिंग पर जल में दूध और अनार का रस मिलाकर अभिषेक करें। ओम पार्वती पतये नमः मंत्र का जाप करें। चलिए बात करते हैं अगली राशि मकर राशि वालों की। शिवलिंग पर जल में दूध गुड़ काले तिल मिलाकर अभिषेक करें। ओम ओमकाराय नमः मंत्र का जाप करें। चलिए बात करते हैं अगली राशि कुंभ राशि वालों की। शिवलिंग पर जल में घी शक्कर मिलाकर अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। चलिए बात करते हैं अगली राशि मीन राशि वालों की। शिवलिंग पर जल में केले का रस और बेलपत्र मिलाकर अभिषेक करें। ओम कैलाश पतिये नमः मंत्र का जाप करें। बता दें आपको हमें पूरी जानकारी वेबसाइट से और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। नेक्स्ट वन इज स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।